अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं जी जनाब। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आजकल? काम कर रहे हैं, वेरी गुड। खेल भी रहे हैं, वेरी नाइस। यानी कि आजकल हम कर रहे हैं बाब नंबर 8, मेरा साथी मेरा दिल भर, जिसमें हमें अपने मुल्क से झंडे से प्यार है के बारे में बात की गई है। हमने उसकी काफ़ी मशक कर ली है, आज करेंगे नई मशक। उसके लिए क्या करेंगे? अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल 2 सफ़ा नंबर 52 खोलेंगे और देखेंगे यहाँ पे मौजूद है अल्फाज साजी की मशक, जिसमें बताया गया है एक भारी और दूसरी हल्की आवाज़। जी जनाब, हमारे पास होती हैं कुछ भारी आवाज़ें और कुछ होती हैं हल्की आवाज़ें। हमने पहले पढ़ा भी है इस बारे में कि हल्की आवाज़ क्या होती है, भारी आवाज़ क्या होती है। जैसे कि हम बोलते हैं बाबा बाबा, और बोले हम भालू भालू, ये है भारी आवाज़, और बाबा है हल्की आवाज़। अब जैसे है पत्ता पत्ता, और है फूल फूल फूल, यानी कि प जो है वो आपकी हल्की आवाज़ है, जबकि फ जो है आपकी भारी आवाज़ है। ब आपकी हल्की आवाज़, भ आपकी भारी आवाज़। इसी तरह से त आपकी हल्की आवाज़, थ आपकी भारी आवाज़। सारे अल्फाजों में, आपके आवाज़ों में इस तरह से है कि जीम ज जो है आपकी हल्की आवाज़ है, झ आपकी भारी आवाज़ है। इसी तरह से हमारे पास एक और आवाज़ है जिसके बारे में हम बताते हैं, जिनकी दोनों की साउंड्स भी बिल्कुल सेम हैं और उनकी शक्ल अलग है, और उनमें से एक आवाज़ जो है वो हल्की है, हल्की कहलाई जाती है, जबकि दूसरी आवाज़ जो है वो भारी होती है। जी जनाब, यानी के हे और हे और हे, एक आपका इस तरह से गोल हे होता है, ये कहलाती है हल्की आवाज़ हे की, और ये है दो दशमी है जिसके साथ दो गुब्बारे बने हुए हैं। समझे, एक गुब्बारा है ये, इसमें दो गुब्बारे हैं, तो ये भारी आवाज़ हो गई है हे की, और ये हे की हल्की आवाज़ है। ठीक है जी, ये है हल्की आवाज़, इसे कहते हैं भारी आवाज़। ह ह ह ह, अब मसला क्या है कि ये इस अल्फाजों से मिलते हैं कुछ लफ्ज़, ये अल्फाज बनाए जाते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लफ्ज़ में कौन सी आवाज़ आती है, हल्की आवाज़ आ रही है या भारी आवाज़ आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जी। देखेंगे हमारे पास कुछ अल्फाज मौजूद हैं और उसमें जो है हम देखते हैं कि हल्की आवाज़ ही की आएगी या भारी आवाज़ ही की आएगी। ठीक है जी, तस्वीर के सामने खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए। तस्वीर बनी हुई है, आगे उसके लफ्ज़ बने हुए हैं, लफ्ज़ में मिसिंग वर्ड है आपका हे। इसमें हमें देखना है कि हे की हल्की आवाज़ आनी है या पे हे की भारी आवाज़ आनी है। ठीक है, ये क्या है भाई जो उड़ रहा है यूं करके? जी ये है जहाज, जहाज में लिखा हुआ है जीम डैश अलिफ ज़े जहाज, जहाज में हे की कौन सी आवाज़ आती है भाई, जल्दी से बताइए। दो दशमी है आता है या खाली है आता है? जी हे आता है, वेरी गुड, ये होगा जहाज़। तो आपने यहाँ पे खुद लिखना है, ठीक है, जहाज़, बिल्कुल, ये तो आप काम कर सकते हैं, खड़े हो गए हैं, है ना। चलिए जी, ये क्या है भाई, इससे घर साफ होता है? झाड़ू झाड़ू झाड़ू, झाड़ू में मौजूद है जीम डैश अलिफ रे और वाओ जीम ज आर ओ, यानी कि इसमें आनी है ह की हल्की या भारी आवाज़, दोनों में से कौन सी आवाज़ आनी है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक जनाब, इसमें आएगी भारी आवाज़, यानी कि दो दशमी है झाड़ू, वेरी गुड। हाथी साहब भी बैठे हैं यहाँ, हाथी में भाई पहले तो आ गई है ह की हल्की आवाज़ जी, फिर है अलिफ, फिर है ते, फिर है डैश, और फिर है ये, यानी ह आत ई। तो कौन सी आनी है आवाज़ हे की? शुरू में तो आ गई हल्की आवाज़, बीच में कौन सी आनी है? वेरी गुड, इसमें आनी है अब भारी आवाज़, भारी आवाज़, वेरी गुड।
हाथी, हाथी, हाथी। शाबाश, यानी कि हमारे पास आ गई है आवाज़ हाथी। अब है हमारे पास क्या, ये छोटा सा क्या मौजूद है हमारे हाथ में, छोटा सा ये जो हमारे घर में यहाँ से वहाँ भागता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? जी चूहा, चूहा, चूहा। चूहा में देखते हैं कि कौन सी आवाज़ मौजूद है। ये है चे, ये है वाव, और ये है डैश, और ये है अलिफ, च ओ डैश अ। क्या बनने वाला है इसमें, क्या इसमें है कि हल्की आवाज़ आएगी या इसमें भारी आवाज़ आएगी, कौन सी आवाज़ आनी है जल्दी से बताइए। चू हा, तो इसमें हल्की आवाज़ आएगी या फिर भारी आवाज़ आएगी, जल्दी से बताइए। चू हा, चू हा, यानी कि हल्की आवाज़ आएगी है कि, वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पर आएगी हल्की आवाज़। अब हमने जो है चारों लफ्ज़ बना लिए हैं, चारों लफ्ज़ कौन कौन से हैं भाई? जहाज, जहाज, यानी कि है कि हल्की आवाज़ हमने जहाज़ पे डाली। फिर हमारे पास आ गया झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू में हमारे पास आई ह की भारी आवाज़, बिल्कुल ठीक। और फिर हमने बनाया हाथी, हाथी, हाथी में है कि दोनों आवाज़ें आ रही हैं, है ना, शुरू में आ रही है हल्की आवाज़ और बीच में आ रही है आखिर में भारी आवाज़। जी शुरू में है हल्की आवाज़, आखिर में है भारी आवाज़, तो ये बन गया हाथी, वेरी गुड। जी जनाब, आखिर में अब हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है? चूहा, 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 चूहा में हमारे पास आ गया यहाँ पे हे, यानी के हल्की आवाज़। शाबाश, हमारा हुआ आज का काम कंप्लीट। आपने जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके अलावा और भी अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है हल्की आवाज़ ह की यूज़ हो रही है, किस में भारी आवाज़ यूज़ हो रही है ह की। आपने देखना है आपस में बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, मम्मा बाबा के साथ डिस्कस करें, रफ़ कॉपी में लिख के देखें कि भाई कौन से और से ढेरों अल्फाज हैं जिसमें हल्की आवाज़ आती है, भारी आवाज़ आती है, जैसे कि फूल आता है, दही आता है, घी आता है, और जो है बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसमें ह की हल्की आवाज़ भी यूज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, और है कि भारी आवाज़ भी इस्तेमाल हो रही है। ये काम कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद अपने पेरेंट्स को दिखाइए, टीचर को इसकी पिक्चर भेजें, और साथ साथ जो है डिस्कस करें अपने दोस्तों और मम्मा बाबा के साथ में, और लिखें भी कि भाई हे और हे, यानी कि हल्की और भारी आवाज़ के साथ और कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं। मिलते हैं कल जी नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.